हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के तीसरे पाठ निर्माण उद्योग के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट जाके दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आप लोग एक बार ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास का लिंक मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, नोट्स और पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चीनी मिल है। तो उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट होता है ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होता है, क्योंकि जो सीमेंट होता है इसका जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। और चूना पत्थर कहाँ से आता है, तो पहाड़ों से आता है। इसमें कृषि की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसे आपको याद रखना है, जिससे हजारों लोग मारे गए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि भारत का सिलिकन वैली किस नगर को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सिलिकन वैली किस नगर को कहते हैं। तो भारत का सिलिकन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूती वस्त्र उद्योग होता है ये किस पर आधारित उद्योग होता है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में किसका जरूरत पड़ता है, तो जूट का जरूरत पड़ता है, और जूट कहाँ से आता है, तो कृषि क्षेत्र से आता है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो भागलपुर में है, इसे आपको याद रखना है। और भागलपुर कहाँ है, तो बिहार में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, तो झारखंड राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया। तो जो पहला सूती वस्त्र उद्योग लगा था, ये 1818 में लगा था, कोलकाता में, यहाँ मुंबई में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग कब लगा, तो 1854 में लगा, और कहाँ पे लगा, तो कोलकाता में लगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोएं से बनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो पश्मीना ऊन होता है, ये काफ़ी महंगा ऊन होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोएं से बनाया जाता है, तो भेड़ के रोएं से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया, तो जमशेद जी टाटा जी ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जो रेल वर्कशॉप है, ये जमालपुर में स्थित है, और जमालपुर कहाँ है, तो बिहार में है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल कहाँ स्थित है, तो जो मंदार हिल है, ये बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो जयप्रकाश हवाई अड्डा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा।
और अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है टेस्ट, यहाँ से डाउनलोड PDF, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ समय में टेस्ट ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे देखिए टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए डेट भी दिया है। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है, नीचे वाला भी टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अगर आपका छूट गया होगा तो। तो यहाँ पे आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे टेस्ट हमारा। देख सकते हैं ये हमारा टेस्ट ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 243 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। तो बस यहाँ पे स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम बोलेगा लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। अगर आप लोग सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सही हो गया, अगर गलत होता तो रेड हो जाता। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम गलत करेंगे कि हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे श्वसन पे टिक करेंगे तो देखिए ये गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग देके टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है तो यहाँ से आप लोग न्यूज़ भी यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10th क्वेश्चन बैंक, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 10th का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।